पाकिस्तान गई राजस्थान की अंजू को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अंजू पर पाक मीडिया का दावा, जल्द ही नसरुल्ला के साथ अंजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पाक मीडिया का दावा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजू पाकिस्तानी नागरिकता की मांग कर सकती है, अंजू भारत से बच्चे लाने की भी गुहार लगा सकती है। यह बड़ा अपडेट देखिए इस खबर को लेकर मिल रहा है, जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं नसरुल्ला के साथ अंजू, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है ऐसा दावा किया जा रहा है पाक मीडिया की तरफ से। दावा यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजू पाकिस्तानी नागरिकता की मांग कर सकती है और इसी बीच अंजू भारत से बच्चे लाने की भी गुहार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार से लगा सकती है। यह इस खबर पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबर सामने आ रही है, नसरुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है अंजू, यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, जब से अंजू पाकिस्तान पहुंची है वहां की आवाम, सरकार और कंपनियां उस पर मेहरबान नजर आ रही हैं। और बड़ी खबर अब यह है कि 24 घंटे के अंदर अंजू को 1,25,00,000 की संपत्ति गिफ्ट में मिली। 5 पाकिस्तानी कंपनियों ने जॉब के ऑफर दे दिए। अंजू की सुरक्षा में 2 सुरक्षा कर्मी भी लगा दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट वहां पर अंजू को दिया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर अंजू को 1,25,00,000 की संपत्ति गिफ्ट में मिल चुकी है। इसी के साथ ही जॉब का ऑफर किया है, 1 या 2 कंपनी ने नहीं बल्कि 5 पाकिस्तानी कंपनियां अब तक अंजू को जॉब के लिए ऑफर कर चुकी हैं। और देखिए ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी दिल्ली से वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जमीर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जमीर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले अंजू नाम बदलती है, फिर अपना मजहब बदलती है, उसके बाद लहजा बदल देती है, ऑडियो में ये पुष्टि हो रही है किस तरीके से वो बात करे, हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके का ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है अंजू को? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त अंजू के आने के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आप देखेंगे तो दिन ब दिन आपको तब्दील होती हुई सूरत हाल नजर आएगी। उसमें जिस तरह अंजू आई थी दीर बाला में, तो दीर बाला क्योंकि पख्तूनख्वा का इलाका है तो वहाँ के लोग एक तो मेहमान नवाजी के हवाले से वैसे ही मशहूर हैं। दूसरा मसला ये था कि अंजू उन दिनों में पाकिस्तान आई थी जिस जमाने में सीमा के इंडिया में बड़े चर्चे थे और सीमा के हवाले से डे बाय डे खबरें आती थी और पाकिस्तान में इस हवाले से अंजू को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया ने इसको दोबारा उठाना शुरू कर दिया है। तो अंजू का आपने देखा था, जैसे हमने पहले ब्रेक किया था एबीपी न्यूज पे, तो अंजू का जो पहला वीडियो बनाया गया था जब अंजू का निकाह किया गया था, तो निकाह के फौरी बाद अंजू का एक वीडियो रिलीज किया गया था जो कि एक पूरे प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। तो अंजू को लेकर अंजू का जो प्रोटोकॉल है, अंजू के हवाले से जो सिक्योरिटी है, उसको जब से अंजू पाकिस्तान आई है उसको एक खास अंदाज में रखा गया है। अंजू को प्रॉपर तरीके से एक स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, वहां पर मखसूस लोगों की जो ना वो उनको आने जाने की इजाजत है, उसके अलावा आम आदमी को आने जाने की इजाजत नहीं है। तो अंजू के हवाले से पाकिस्तान में एक पूरी तरह से कह लें कि प्लान तरीके से उसको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उसको गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो मौजूद कंपनीज हैं वो अंजू को इस हवाले से ऑफर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान में मौजूद जितनी कंपनीज हैं उनको पता है कि अगर अंजू के पास अंजू को दिया जा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।